नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमेश। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक वक्तव्य को लेकर अखंड ब्राह्मण महासभा समिति ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महासभा ने कलेक्टर वंदना वैद्य को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ज्ञापन में अखंड ब्राह्मण महासभा समिति ने उल्लेख किया है कि मोहन भागवत के दिए गए वक्तव्य जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई है से संपूर्ण पंडित और ब्राह्मण समाज आहत और आक्रोशित है। मुंबई में संत शिरोमणि रविदास जयंती पर संघ प्रमुख ने देश में पंडितों के विरुद्ध अन्य जातियों को भड़काने का काम किया है, जबकि इस तरह के बयान पर सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार नेताओं के नफरती भाषाओं पर रोक लगाने और पुलिस को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद भी संघ प्रमुख ने पंडितों को आरोपित करते हुए यह बयान दिया है। पूरा देश जानता है कि पंडित सदैव कड़ी मेहनत से अर्जित ज्ञान से समाज की रक्षा व सुरक्षा करते रहते हैं, जिससे प्राणियों में सद्भावना रहे, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम जैसे सर्वहितकारी शब्द पंडितों ने समाज को दिया है। पंडित समाज सृष्टि के संचालन में सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। ज्ञापन में कहा है कि यह सब जानते हुए भी रविदास जयंती समारोह में जानबूझकर पंडितों पर आरोप लगाना व बदनाम करना दुर्भावना को दर्शाता है। समाज में कहीं भी जाति भेदभाव नहीं है, केवल सरकारी नीतियों में ही सर्वाधिक जाति भेदभाव दिखाई देता है। शिक्षा, राजनीति, न्याय, नौकरी, प्रमोशन, उपचार, वजीफा आदि में घोर जातिवाद दिखाई देता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने कभी भी सरकारी जातिवाद के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद दूसरे दिन पता चला कि हमारे समाज के दो लोगों के नाम से किसी पुलिसकर्मी ने FIR की है। आज एक सांकेतिक ज्ञापन यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है, उसमें उल्लेख किया है कि एक सप्ताह का समय दिया जाता है, इसमें उस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और उसमें उसका खात्मा किया जाए। अगर एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही नहीं की जाती तो हमारे मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करने के लिए विवश होंगे।